ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ पटियाला हिंसा दे लई कौन सी जिम्मेवार कानून व्यवस्था ते लग्या सवालिया निशान तां विरोधियां ते इल्जाम लगा जिम्मेवारी तो भज रही सरकार शुक्रवार दी सवेर पटियाला च दो गुटां विचाले भड़की इस हिंसा ने हर किसी नूं हैरान कर दिता सी दो धार्मिक गुटां दा इंज आमो सामने हो के एक दूजे ते हमला कर रहा पंजाब दी भाईचारक सांझ नूं कटहरे च खड़ा कर रहा सी उधर दूजे पासे इस हिंसा नूं रोकण दे लई पहुंची पुलिस इंज हवाई फायर कढ रही सी जिवें इह हिंदुस्तान नहीं कोई तालिबानी राज हो गए पटियाला पुलिस हिंसा नूं रोकण दे लई हवाई फायर कर रही सी जबकि पुलिस ने हिंदू जथेबंदियों वालों खालिस्तान विरोधी मार्च कटे जाने की सूचना पहला ही दे दी गई सी पर बावजूद उसके पुलिस ना ही इस मार्च को रद्द करवा सकी ना ही सिख जथेबंदियों वालों जताए जा रहे विरोध को रोक सकी ते ना ही दोवां धिरां विचाले हुई इस हिंसा पर इस सब विचाले आम आदमी पार्टी की सरकार की कर रही सी ते की कर रही है यह वेखना भी बड़ा दिलचस्प है सब तो पहला सुनो आप दे राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा का बयान जो उन्हें शुक्रवार को हिंसा दे बाद दिता सी ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा ये क्लैशेज आज हुए वायलेंस हुआ एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई ता सुनिया तुसी दिल्ली च बैठे आम आदमी पार्टी के नेता यह बयान दे रहे सन कि यह दो धार्मिक गुटां का विवाद नहीं सी यह तां इन्हां दे सियासी विरोधियों वालों करवाई गई साजिश ते हुण सुनो पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का बयान ये मसला दो समुदायों का नहीं था ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है सब कुछ मान साहब भी राघव चड्ढा का बयान ही दोहराते नजर आए कि यह झगड़ा सियासी पार्टियां विचाले सी पर इतने सवाल यह उठते हैं कि जेकर यह झगड़ा दो धार्मिक गुटों का नहीं सी तां फिर क्यों तुहाडी पुलिस इसनों रोक नहीं सकी जे यह साजिश तुहाडे विरोधियों वालों की गई सी तां फिर क्यों तुसी वड्डे पुलिस अधिकारियों के तबादले किए कह रहे हो कि पंजाब का माहौल किसी नूं खराब नहीं करन दिता जाएगा पर इत्थे दा माहौल खराब हो चुके है जिस नूं रोकिया जा सकता सी पर तुहाडा पुलिस प्रशासन इस च नाकाम साबित होया हुण विरोधी सवाल है चुक रहे ने कि जे सरकार ने अपना फैसला ही सुना दिता है कि इस दे लई विरोधी जिम्मेवार ने तां फिर जांच दी वी की ही लोड़ नाल ही मुख्यमंत्री नूं इह नसीहत भी दित्ती गई है कि सिर्फ दिल्ली च बैठे लोगों दीआं गल्लां च ना आ के अपने पद्धर ते सरकार चला पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब में कम पंजाब से बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है क्या पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है किसकी शह पर ये सब हुआ है क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है
भाईचारा जो पंजाब में पिछले कई वर्षों से बना हुआ है उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। मैं हैरान हाँ कि जिहड़ा बयान आज मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली के अकाली दल दे ते बीजेपी के खिलाफ दिता, अकाली दल मान के खिलाफ दिता। कल यही लाइन जिहड़ी है आम आदमी पार्टी के जिहड़े केजरीवाल के सज्जे हाथ है राघव चड्ढा उन्होंने वालों दिता गया कि यह जिहड़ी लड़ाई है यह दो पार्टियां की लड़ाई है। जे सरकार इस तरीके हर गल दिल्ली वाले के कहने के उत्ते विरोधी पार्टी को बदनाम करने वास्ते कहेगी तो फिर जांच असली कौन करेगा। बहुत दुख होया एक जिम्मेवार पोजिशन के उत्ते मुख्यमंत्री साहब का यह हासो इन्हें बयान देख के कि यह विरोधी पार्टियां ने कराया फिर जांच की तो लोड़ नहीं रही। यह कंप्लीटली इंटैलीजेंस फेलियर है जिहड़ा एक पार्टी ने कोई अनाउंस किया 29 तरीक का प्रोग्राम पंजाब पुलिस शुड हैव बीन मच इन टाइम गेट जिहड़ी भी कोई धार्मिक स्थान जिथे कोई गल हो रही थी उत्थे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए सीगा। उत्थे तां कल पूरा नंगा नाच होया जंगल राज दा और लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी पंजाब दा बहुत क्रिटिकल है। पिछले कुछ दिनों दे विच मेरे ख्याल 50-52 कतल हो चुके हैं नौजवानों तो लैके खिडारियों तो लैके ब्रॉड डे लाइट मर्डर्स होए ने। ब एंड यही आम आदमी पार्टी जो ओपोजिशन सके बहुत शोर मचाते जंगल का राज है कानून नाम की स्थिति कभी राघव चड्ढा पीसी कर रहा कभी चीमा कर रहा कभी कोई कर रहा कभी कोई कर रहा हूँ उदन के जवाब ही नहीं देंगे। पंजाब की अमन शांति कायम रखने की जिम्मेवारी सरकार की होंगी है। अजिहे जेकर सरकार इस जिम्मेवारी निभाने च नाकाम रही है तो अपनी चूक को स्वीकार करने की थान जांच होने तो पहले ही विरोधियों से इल्जाम लगाना कितना जायज है यह हुण जनता ने तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।